हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। तीन यूनिवर्सिटियों से संबंधित है, CDLU, GGU और KUK। और जहाँ तक इसमें दोस्तों इसमें बात की गई है CRSU की भी, और सभी से रिलेटेड मैं अपडेट लेकर आया हूँ। और जो अपडेट है वो CDLU के वालों के लिए तो अच्छी नहीं है, और GGU में जो परीक्षाएँ हैं वो दोनों मोड में होंगी, और KU में भी दोनों मोड में परीक्षाएं होंगी। आपको सभी को पता लग ही गया होगा। अब दोस्तों, खबर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। GGLUA, CRSU, IGU, HU समेत प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों ने अपने अपने स्तर पर कोविड नियमों का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षाएं लगाने से लेकर परीक्षा लेने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी है, जिसमें गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं ली जा रही हैं। इसके साथ ही 10 फरवरी से यूनिवर्सिटी से संबंधित 24 कॉलेजों में UG कोर्सेज की परीक्षाएं ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जाएंगी। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड परीक्षा देने के लिए ऑप्शन चॉइस करने के लिए विकल्प दें। साथ ही 1 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। कोरोना नियमों का पालन करते हुए खेल मैदान, लाइब्रेरी आदि को खेल खोला जाएगा। साथ ही जो विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाएं लगाएंगे उन्हें हॉस्टल दिया जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एवं लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय में 1 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। IGU के परीक्षा नियंत्रक सुरेश धनेर वाल ने बताया कि मंगलवार से डेट शीट वर्किंग शुरू कर दी जाएगी। ये तो होगी दोस्तों GGU की बात। अब दोस्तों बात है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आपको पता ही लग गया होगा, कल नोटिस आ चुका था। और अब है 10 फरवरी से जो CDLU की परीक्षाएं होंगी दोस्तों वो ऑफलाइन ली जाएंगी, ये एक नोटिस आ चुका है, आप देख सकते हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 10 फरवरी से स्नातक, 11 फरवरी से स्नातक और की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा ऑफलाइन होंगी, 50,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर 43 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा ने दोस्तों यहाँ पर तो तैयारी हो चुकी है ऑफलाइन एग्जाम लेने की, इसके बारे में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है बात करने का। तो ये अपडेट थी, पसंद आएगी ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।